गुरु रूप सात संग जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी भाई रघुवीर सिंह वीर जी की पुस्तक अरदास शक्ति विच्चों एक उन्हां दी अपनी हड़ बीती दी सांझ संगतां नाल पा रहे हैं। सिरलेख है, औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरध संभाले। मेरी लड़की नूं बच्चा होण वाला सी, पहला बच्चा होण करके तकलीफ दा डर सी। 9वें महीने तक लड़की दी सेहत अच्छी रही, पर 9वें महीने दे अखीर विच बदन उत्ते सोजा पै गईआं। होर भी कुछ कारणां करके डॉक्टरां दा ख्याल सी कि केस नॉर्मल नहीं रहा, जन्म समय जरूर ऑपरेशन करना पवेगा। जद वड्डे डॉक्टर नूं मैं कहा कि मेरे घर विच बहुत चिर तों सब कुछ नॉर्मल है, ठीक हुंदा आ रहा है अते ईश्वर ने मैनू कदे निराश नहीं किया, तां उह हस पिया अते दूसरे डॉक्टर नूं बुला के आखण लगा, देखो मिस्टर सिंह दा विश्वास है कि बच्चा कुदरती हालत विच पैदा होवेगा। दूसरे डॉक्टर ने आख्या कि मिस्टर सिंह असी भी चाहुंदे हाँ कि बच्चा गैर कुदरती तरीके विच पैदा ना होवे, लेकिन आसार इस दे खिलाफ हन अते सानू अपनी राय दे अनुसार ऑपरेशन दी तैयारी करनी ही होवेगी। वक्त आउण उत्ते लड़की नूं नर्सिंग होम प्राइवेट हस्पताल विखे लै जाया जाएगा। सारा दिन बड़ी तकलीफ रही अते रात 11 बजे डॉक्टर ने आख्या कि रात बीतन उत्ते सवेरे 4-5 बजे बच्चा पैदा होण दी आस है, इसलिए तुसी घर चले जाओ, सवेरे 4 बजे तुहानूं टैलीफोन करके बुला लवांगे। सारा दिन तकलीफ रहन करके लड़की बड़ी कमजोर हो गई सी। उसने मैनूं बुला के कहा, मेरे विच तां अरदास करन दी भी शक्ति नहीं, तुसी अरदास करो कि मेरी तकलीफ जल्दी खत्म होवे, मैथों वधेरे तकलीफ सारी नहीं जावेगी। मैं खुद हैरान सी कि की करां, सारा दिन बच्चे दा तकलीफ विच गुजरिया है अते डॉक्टर आखदे हन कि जे सारी रात गुजरन ते प्रभात वेले जाके बच्चा पैदा होवेगा। लड़की दी हालत बड़ी बेचैन ते नाजुक हुंदी जा रही सी। डॉक्टरां दे बार बार कहण उत्ते मैं 11 बजे रात दे घर नूं मुड़िया तां कि घर चल के मन जोड़ के महाराज दा दरवाजा खटखटाया जाए। आउण तों पहले नर्सिंग होम दे लेबर रूम विच उस कमरे विच जिथे बच्चे पैदा होंदे हन मैं जाके अरदास कीती अते ताती वाउ न लग गई, पार ब्रह्म शरण आई, चौगिरद हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई दा पूरा शब्द सिद्धक विच आके पढ़िया। मेरी वड्डी लड़की अते मेरी सपुतनी नर्सिंग होम विच ही रही हाँ। मोटर कार विच घर पहुँचदियाँ 10 मिनट लगे, 11 बज के 10 मिनट उत्ते हाथ जोड़ के अरदास कीती। मेरा ख्याल सी कि नींद तो आनी नहीं, सारी रात बैठ के अरदासां ते सिमरन करदा रहांगा। इस अरदास विच मैं जो कुछ वेखिया ते जिस आत्मक तजर्बे थाई मैनूं लंघना पिया वो मैं पूरी तरह शायद बयान ना कर सकां, पर आत्म साइंस दे पाठकां दी दिलचस्पी लई कोशिश जरूर करदा। इस अरदास दे शुरू विच मैं एक बड़ा भयानक दृश्य देखिया। यह दृश्य मेरी बेविश्वासी तो पैदा होया जां मेरा इम्तिहान लैण लई पैदा कीता सी मैनूं मालूम नहीं। मेरा ख्याल है कि हर आत्मक तजर्बे वेले माया अपना पूरा जोर लाउंदी है कि मेरा शिकार मेरे पंजे विच्चों ना निकले, अते जेकर आत्मक विद्यार्थी माया दे छल दे सामने ना डोले, ना घबराए अते अपने आत्मक निश्चय उत्ते मजबूती नाल कायम रहे तां माया अपने छल समेत अलोप हो जाती है ते अकाल शक्ति अपने सेवक दी पैज रखती है। अरदास दे शुरू विच मेरे अंदरों माया दी आवाज़ आई कि जिस वाहिगुरु अगे तू अरदास करन लगा है अवल तां है ही नहीं अते जेकर होवे भी तां कर्मां दे फल भुगतन विच किसे दी सहायता नहीं करदा। तेरी लड़की ने पिछले जन्म जो कर्म कीते हन उसका फल इसनूं जरूर भुगतना पवेगा। तेरी लड़की दी हालत वाकई खराब है, तैनूं जो डॉक्टर आख रहे हन वो ठीक है, तैनूं इस अरदास विच सिवाय निराशा दे होर कुछ नहीं मिलना। तेरा फर्ज यह सी कि अपनी जान तोड़ रही लड़की दे सिराने खड़ा रहिंदा अते उसके अंतले समय उसके पास हुंदा। तू घर दौड़ आया है अरदास करन लई, ये तेरी कितनी भुल है, तू कायर है। मुसीबत का मुकाबला करन दी बजाए
तू मुसीबत तो डर का घर आ गया है। इस तो बाद तेरी लड़की दी मुर्दा लाश लई अरदास करना फजूल है अते समय नूं नष्ट करना है जो होना सी हो गया। इस दृश्य नूं देख के मैं बड़ा हैरान होया अते घबराया, पर उस घबराहट की अवस्था विच मेरे मुँह ये शब्द निकले कि नहीं नहीं ये कदे नहीं हो सकता। मेरा वाहिगुरु सिर्फ शक्तिमान है, मेरा वाहिगुरु मेरी लड़की दे पिछले जन्म दे कर्मां वल नहीं वेखदा, वो अपनी शरण आया दी सदा लज्जा रखता है। ये दृश्य झूठा है, माया का छल है, धोखा है। मेरा वाहिगुरु माया तो बेअंत गुणा वध शक्तिवान है। मेरी अखां धोखा खा सकदियां हन, मेरे कन्न धोखा खा सकते हैं, डॉक्टर धोखा खा सकते हैं, मेरी लड़की धोखा खा सकती है, पर मैं गुरु अर्जन देव जी का सिख हाँ, मैं गुरु गोबिंद सिंह जी का खालसा हाँ, मैं धोखा नहीं खा सकता। मैं पता है कि प्रभ भावै बिन सास तेरा आखै दा मां वाक सच है, अटल है। मेरी लड़की जरूर अच्छी नौ बर नौ हो जाएगी, उसनू होर तकलीफ नहीं होवेगी। ये कह के मैं अपनी चोली अड दित्ती अते आख्या, सच्चे पातशाह साढ़े उगणा वल ना तक, मैनू अपनी प्यारी बच्ची की सलामती की दात बख्शो जी, ये माया दे छल नू झूठा साबित करो। जब मेरे मन में उक्त ख्याल बड़ी दृढ़ता नाल गुजरे तो मेरी अखां दे सामने मस्या का सारा भयानक दृश्य हौली हौली अलोप हो गया। मेरा परेशान अते थक्या मन एक अजीब शांति अते निरभैता की अवस्था में लै जाया गया। इस अवस्था में मैं अपने अंग संग निर्भय अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं देख रहा सी अते आख रहा सी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इसे अवस्था में मेरी सुरत नूं टैलीफोन की घंटी ने उखेड़िया, उठ के टैलीफोन नूं कन्न नाल लाया तो मेरी वड्डी लड़की नर्सिंग होम तो टैलीफोन राही आखदी सुनाई दित्ती कि बेबी हो गई है, 11:43 ते हुई है, जन्म बिल्कुल कुदरती तौर पर होया है, डॉक्टर हैरान हैं, बेबी ते उसकी माता बिल्कुल राजी हैं अते हुण आराम नाल सो रही हैं। तद फिर मैं महावाक पढ़दा सो गया, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।